तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज मेरा फाइनली कंपटीशन के लिए आज प्रॉपर कॉस्ट्यूम पहन के करना है तैयारी। तो आज लास्ट दिन है मेरे पास मैक्स देखना है, उसके बाद 2 दिन के रेस्ट लूँगा, उसके बाद 2-3 दिन बाद वो मेरा कंपटीशन है 26 तारीख को, तो मतलब 23 दिन बचे हुए हैं लास्ट। तो आज से गाइस हैवी स्क्वाट चलेगी, फिर हैवी बेंच प्रेस चलेगी मैक्स, और हैवी डेडलिफ्ट। तो आप वीडियो में बने रहें, पहले कॉस्ट्यूम पहन लेता हूँ, इसके बाद आपको वीडियो में मिलता हूँ। गाइस देखो, कॉस्ट्यूम पहन लिया मैंने, तो अभी पहली स्क्वाट लगाना है मेरे को, तो स्क्वाट लगाते हैं। पहले दो तीन सेट वार्म अप होगा हल्का फुल्का, उसके बाद स्क्वाट लगाते हैं। शूज़ वगैरह पहन लेता हूँ, तो आप देखें। ओके, देखो भाई 140 किलो है, 170 किलो तक उड़ा लेता हूँ। तो आज यार भाई काफ़ी टाइम बात करूँ कि पैर की इंजरी हो गई थी दोबारा, तो 140 अगर इजीली आ गया ना तो 150 फिर 160 ट्राई करूँगा। 10-10-20 किलो का जंप लेता रहूँगा, मतलब 10-10 किलो का जंप लेता रहूँगा। तो वीडियो में बने रहना, पीछे से पहले कोई सपोर्टर बुला लेता हूँ एक पीछे से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई। चलो वीडियो में बने रहो, थैंक यू।
तो गाइस फाइनली यार 150 किलो में मस्त से सेटिंग ले ली है, बढ़िया से आया, कोई रोड नहीं था पैरों पे ज्यादा, तो मतलब ये रेस्ट का ही परिणाम है लग रहा है। और आप लोगों का प्यार है जो 150 किलो में इजिली थ्रो आउट कर पाया। तो भाई अभी ना ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा हूँ, 155 है, अगर उसके ऊपर अगर ये ठीक आया तो 160 की लूंगा, फिर उसके बाद है भाई मेरी बेंच प्रेस। सो इस तरीके से आप लोग भी करना यार, आपका जब भी कॉम्पिटिशन हो 2 से 3 दिन पहले अपना, और बीच में अभी कल और परसों दूंगा रेस्ट ताकि वहाँ अच्छे से परफॉर्म कर। तो थैंक यू भाई लोग वीडियो बने रहे, थैंक यू। ये है हमारे बिक्सो भाई, साथ में रेडी वोटन। तो भाई फाइनली नी कैप चल गई है, ये वैसे मेरी साइज की नहीं है, ये हमारे प्यारे से दौड़ भाई का ट्रिकर जिसको मैंने आपको दिखाया सारी वीडियो में, ये हमारे राय भाई, ये भी हमारे नए बिग शो, मैं हूं इनका गुरुजी अभी फिलहाल, और ये है रैम स्टीरियो। तो कोई दिक्कत नहीं, 155 किलो लगाता हूं। क्या करना है सर्दी, पेट अंदर सर्दी, चलो चलो चलो, कमान 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 कमान, आप 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 तो भाई 160 किलो में सीटिंग मारी सेल, पता नहीं वैसे पड़ी है नहीं पड़ी है प्रॉपर, मैंने देखा नहीं। तो भाई लोग कह रहे हैं कि मार दिए, तो भाई मार दियोगे, थैंक यू भाई लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट में रहने के लिए। तो भाई 160 था, 3-4 दिन बाद किया, काफ़ी अच्छा रेस्ट मिला, तो बैक में भी कोई दिक्कत नहीं है, और पैरों में भी दिक्कत होती थी तो वो भी नहीं है। भाई अगर आपका लिफ्टिंग हो रहा हो ना ऐसे, जो बिगनर है भाई, एडवांस को तो मैं नहीं समझा सकता, मुझे कुछ समझा देना कमेंट में, जो बिगनर है उनके लिए बता रहा हूँ, जब भी कॉम्पिटिशन होता है भाई 2-3 दिन पहले रेस्ट ले लेना, एक अपने यहाँ मैक्सिमम देख लेना, उसके बाद भी 2-3 दिन का रेस्ट देना, रिजल्ट देखना कैसा आता है तगड़ा। तो भाई अब लगाऊंगा मैं बेंच प्रेस, बाकी हमारे राहिल भाई का भी कॉम्पिटिशन है, ये हमारे राहिल भाई, इनका 120 केजी के प्लस में है, और ये भी पावर लिफ्टर है, स्टेट चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट है, ये देख नहीं रहे होंगे लेकिन ठीक है, अभी इनके स्पॉट दिखाता हूँ आपको, ठीक है, इनके भी कम से कम नहीं भी तो 100 के प्लस में जाती है स्पॉट, तो अभी आप इनके स्पॉट देखें फिर मैं अपनी बेंच प्रेस दिखाता हूँ। तो कर लेते हैं सर जी स्टार्ट, कम ऑन, बढ़िया चलो रेडी रेडी चलो। तो गाइस 60 केजी से शुरू कर रहा हूँ, 3 रेपिटेशन लेने हैं, उसके बाद 10 से 15 प्लस करता हो जाऊंगा बेंच प्रेस में, तो आप वीडियो को देखिए। गाइस अभी मुझे 15 किलो प्लस करना है, तो पहले 15 किलो प्लस कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, थैंक यू। तो गाइस 90 केजी है अभी, गाइस पाउडर इसलिए नहीं लगा रहा था क्योंकि हर बारी ना गाइस ऐसी बार नहीं होती, कभी कभार क्या है बिना पाउडर के भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो अभी इसके बाद लगाऊंगा थोड़ा हाथ पे पाउडर, क्योंकि बार बल ना हर जगह अलग अलग होती है, इस तरह की हार्ड बार भी होती है, सॉफ्ट बार भी होती है, वहाँ पाउडर नहीं मिलता, कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो हर टाइप की आपको ट्रेनिंग पता होनी चाहिए। देखो फुट हमारा इस तरीके से रहेगा नीचे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बंदों को पता ही नहीं, आर्क बनाते हैं पिछवाड़े को ऊपर कर देते हैं ऐसे, तो ऐसे नहीं करना, पावर पैर की भी पावर लेनी आपको क्वार्टर से मसल की, यहाँ हमने लगा लिए हाथ, आर्क बना रहे हैं आप इस तरीके से, आर्क बना रहे हैं और बेस को यहाँ पर रखते हैं आप, क्योंकि मैं वैसे यूज नहीं करता आर्क होकर, तो भाई 90 केजी में एक बना था, अभी 100 केजी लेता हूँ, उसके बाद 110, उसके बाद 120, इस तरीके से करता हूँ ट्रेनिंग, ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, थैंक यू। चलो कमान
लो चलो गाइस 100 केजी, अभी 110 किलो लगाता हूँ, वीडियो में बने रहिए, थैंक यू। तो गाइस कितना 110 किलो है? तो गाइस 110 किलो है, एक सेकंड का पॉज लिया, जैसे पावर लिफ्टिंग में होता है उसी तरीके से कर रहा हूँ। तो अभी 120 किलो करता हूँ, एक सेकंड को उसमें भी पॉज लूंगा, और अभी चाहिए मेरे को रिस्ट बैंड। तो भाई मतलब ज़्यादा ओवरलोड लेते हो ना तो रिस्ट पे कवर अप कर लिया करो, क्योंकि हम लोगों को तीन चीज़ें करनी होती हैं, ये भी सही सलामत होनी चाहिए अपनी। तो अभी 120 कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको, थैंक यू। चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गड़बड़ हो गई मेरी। सो भाई 120 किलो में वार लग गई है मेरी, पता नहीं वहां क्या होगा। नीचे रोको मत ना, नीचे रोकना पड़ता है ना। तो भाई देखो सेम उसी तरीके से किया था, क्या पता वहां थोड़ा सा हो जाए, अभी एक बार और ट्राई करूंगा, ठीक है। तो 120 मेरी फेल हो गई है, तो एक बार और ट्राई करूंगा, अभी थोड़ी देर में करता हूँ, 2-3 मिनट रेस्ट लेता हूँ ताकि मसल भी अच्छे से रिलैक्स हो जाए। तो वीडियो में बने रहें, थैंक यू। तो गाइस 2 रेपिटेशन आने चाहिए, बड़े स्पीड से आने चाहिए, 100 किलो ये नॉर्मल, तो फटाफट ले लेता हूँ, ठीक है, वीडियो में बने रहें। तो 100 किलो में हो गया, और सीधे 30 किलो जंप लूंगा, उसके बाद जैसे बताया फिर 30 किलो 60 किलो, तो उसके बाद 10-10 करके प्लस करता रहूँगा। तो वीडियो में बने रहें, थैंक यू। तो गाइस 130 किलो है, एक रेपिटेशन लेना है, टैक से उड़ाना पड़ेगा, तब जाके आगे पहुंच पाएंगे। तो वीडियो में देखिए आप, तो 130 किलो उड़ा दिया भाई, उसके बाद 160 करना है, 40 है, 160 करना है, तो 160 कर लेते हैं। तो भाई 165 है, तो फिर उसके बाद सीधे सीधे 180 लेना है, थोड़ा सा प्लान में चेंज कर दिया क्योंकि बॉडी थक जाएगी अगर इतना रेस्ट देता रहूँगा। तो स्टार्ट करता हूँ, कमल जी। तो ये था 165, अभी 180 लेना है, तो फटाफट 15 किलो इंक्रीज कर देता हूँ, थैंक यू, वीडियो में बने रहना, थैंक यू। यह है 180 केजी, अगर ये 180 केजी इजी आता है तो 90 फिर 95 फिर 200 तक जाने की पूरी कोशिश रहेगी। तो वीडियो में बने रहिए आप, थैंक यू। कमल जी आप कमल जी आप लॉक 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 इट। तो भाई 180 था, चला इससे पहले पावर गलत यूज हो गया, एक साइड थोड़ा ज्यादा हो गया था, एक साइड कम। तो अभी करता हूँ 185, फिर 190 के देखता हूँ कितना जाता है, वीडियो बने रहे, थैंक यू। तो भाई 185 कीजिए, इससे पहले 190 उड़ाया था मैंने, तो एक बार और ट्राई कर लेता हूँ 185 में, वीडियो में बने रहो। कम ऑन जी, कम ऑन अप 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 अप, लॉक इट लॉक इट लॉक इट लॉक इट, कम ऑन अप 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 अप। तो भाई आज यार 185 थोड़ा भारी पड़ गया बॉडी पे, लग रहा है स्क्वाट मार दी थी उसकी वजह से। तो आज भाई इतना ही हो पाएगा यार, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं सीधे परसों कंपटीशन में, थैंक यू।